जितना भी क्वेश्चन था वो बराबर लेवल पे था, पूरा अच्छी तरीके से था। आज चौथा शिफ्ट था वो कैसा रहा आपका? अच्छा था वो। मैथ कैसा है? मैथ तो हार्ड था पर उससे ज्यादा तो थोड़ा ही मतलब पेपर हुआ। चारों सीट लगभग एक बराबर ही था, कोई उसमें गड़बड़ नहीं था। गर्दा काट दिए पेपर, एकदम गर्दा उड़ा दिए। कितना क्वेश्चन है? परीक्षा आज समाप्त हो रही है और आज ये चौथा शिफ्ट है और चौथा शिफ्ट का एग्जाम दे करके छात्र बाहर आ रहे हैं। छात्रों से हम बातचीत करेंगे कि चौथे शिफ्ट में जो है किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या नाम है आपका? सरिता। पेपर कैसा हुआ? पेपर अच्छा हुआ। पेपर बढ़िया हुआ? हाँ। अच्छा, अगर चारों शिफ्ट का पेपर मिलाकर देखा जाए तो इस शिफ्ट में कितने अंतर देखने को मिले? ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा ही। मतलब पहले दूसरे तीसरे शिफ्ट के अपेक्षा ये ज़्यादा हार्ड था या इजी आया हुआ था? नहीं, इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे आप? 110। 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जी। अच्छा, कोई ऐसा पोर्शन चारों पोर्शनों में से जो लग रहा हो कि ये हार्ड आया हुआ है? नहीं, सही था। सारे मतलब लेवल में ही थे। हिंदी ज़्यादा इजी था। हिंदी इजी था। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दिए हैं भाई। क्या नाम है आपका? उत्कर्ष यादव। उत्कर्ष जी कहाँ से आए हुए हैं? गोरखपुर, उधर से जन्मा बीटी रावत से। अच्छा, बीटी रावत से आए हुए हैं। बेटे, पेपर कैसा हुआ है आपका? पेपर एकदम मस्त। पेपर बढ़िया हुआ है? हाँ। गर्दा काट दिए पेपर? एकदम गर्दा उड़ा दिए हैं। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 129 कर दिए हैं। कर दिए। तो इस बार सिलेक्शन पक्का है। अच्छा, ये बताइए, अगर चारों शिफ्ट को देखा जाए तो कौन सा शिफ्ट ज्यादा इजी रहा? अगर आपने भी पेपर दिए हैं, एनालिसिस भी किए होंगे चारों शिफ्ट को, तो कौन सा पेपर आपको इजी लगा? ये मतलब चारों शिफ्ट के पेपर तो ठीक ठाक थे, बस थोड़ा मॉडरेट था। थोड़ा भैया इधर साइड में आ जाइए, इधर आ जाइए। बाकी इजी तो सब लगभग ठीक था। मैं पढ़ा हुआ था तो मुझे सारे शिफ्ट लगे। ये वाला जो था थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा मॉडरेट ज़्यादा था इसमें। हाँ। अच्छा, चारों सब्जेक्ट में देखा जाए तो कौन सा सब्जेक्ट आपको इजी लगा? इजी मुझे हिंदी और जो जीएस थे एकदम, मतलब हिंदी और जीएस जो है वो ज्यादा इजी आया। हाँ, वो ज्यादा इजी आया हुआ था, उसमें नहीं कोई दिक्कत थी। हिंदी जीएस तो अच्छा था। अच्छा, मैथ कैसा था? मैथ एवरेज में था, ठीक ठाक था। टाइम टेकिंग नहीं था, रीजनिंग में टाइम टेकिंग था इस बार। पुलिस प्रणाली से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे जो लॉन्ग ज़्यादा थे और उसमें टाइम लग रहा था, वो टाइम टेकिंग था। थोड़ा सा टाइम का अभाव पड़ा, नहीं तो और हुआ होता। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और भी छात्र हैं जो पेपर दे करके आ रहे हैं, उनसे हम जाइए आ जाइए। क्या नाम है आपका? अभिषेक यादव। पेपर दिए हैं, कैसा पेपर हुआ है? ठीक था। पेपर बढ़िया? थोड़ा सा इधर आ जाइए। पेपर बढ़िया किए हैं? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे? 60-70 तक का। तो 60-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अच्छा, पेपर का जो लेवल था वो कैसा था? ठीक था। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और भी छात्र हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। पेपर दिए हैं, पेपर कैसा हुआ है? पेपर बहुत अच्छा हुआ है। हाँ। लगभग देखा जाए चार शिफ्ट में पेपर हुआ है, चारों शिफ्ट लगभग एक बराबर ही था, कोई उसमें गड़बड़ नहीं था। ये है कि टाइम टेकिंग क्वेश्चन था जो समय थोड़ा सा ये हुआ कि समय का अभाव हुआ पढ़ने के चक्कर में। बाकी पेपर बहुत अच्छा था, करने लायक पेपर था। जिस बंदों ने पढ़ा है उन सब ने पेपर दिया, पेपर बहुत बढ़िया था। अच्छा, पेपर का जो लेवल था वो कैसा था? हार्ड था या मॉडरेट था या ईजी था? देखिए, आप ना तो इसे हार्ड तो नहीं कहेंगे, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं इसको। जी, जो पढ़े हैं वो इसको लगभग नॉर्मल सॉल्व कर सकते हैं। अब ये है कि अब जो बच्चे स्टार्टिंग के क्वेश्चन में फंसे हैं जिसमें समय ज़्यादा लग रहा था, वो कम अटेम्प्ट कर पाए हैं। बाकी जो पढ़े हैं वो नॉर्मल से सही से चले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? देखिए, मैं अपना बताऊं तो मैं 125 क्वेश्चन किया हूं, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग है तो मैंने जितना मुझे पता था लगभग मैं उतना किया। मतलब जितना आपको आ रहा था उतना ही अटेम्प्ट किए? जी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारे चैनल की तरफ से। और भी छात्र हैं जो पेपर दे करके आ रहे हैं, उनसे थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनका पेपर कैसा है। मैडम है, मैडम से भी थोड़ा हम बातचीत कर लेते हैं। पेपर कैसा हुआ है मैम आपका? बहुत अच्छा हुआ है। पेपर बढ़िया हुआ है? हाँ, पेपर अच्छा हुआ है। पेपर कहाँ से देने आए हैं? हम गोला बाजार से आए पेपर देने के लिए। अच्छा, गोरखपुर से ही है? नहीं, गोला बाजार। गोला बाजार कहाँ है? गोरखपुर में है तो। हाँ। तो ये बताइए, गोरखपुर में ही सेंटर इस बार बच्चों का बना था। इससे पहले जो सेंटर बनता था वो काफ़ी दूर बनाया जाता था, लेकिन इस बार गोरखपुर में ही बनाया। क्या कुछ कहना चाहेंगे योगी बाबा को? अब ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी आने जाने में कोई समस्या नहीं होगी। मतलब गोरखपुर में पेपर है तो आराम से आकर के दे सकते हैं। जिनके पास साधन नहीं होता है वो जा नहीं पाते हैं कहीं पे भी, तो उन लोगों का पेपर छूट जाता है। वो लोग बहुत ही वो हो जाते हैं कि तैयारी व्यर्थ हो जाती है। और अभी गोरखपुर में है तो
अभी बहुत अच्छा है। पेपर का जो लेवल था वो चारों शिफ्टों की अगर टैली किया तो कौन सा शिफ्ट ज़्यादा आसान था? शिफ्ट पे तो देखा जाए तो पढ़ाई के ऊपर है, वो तो हर जितना भी क्वेश्चन था वो बराबर लेवल पे था, पूरा अच्छी तरीके से था। अच्छा, आज चौथा शिफ्ट था वो कैसा आ रहा आपका? अच्छा था वो। अच्छा था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? हमने 125 के क्वेश्चन, मतलब 125 क्वेश्चन हाँ किए हैं। अब उसमें से ज़्यादा अगर कंफर्म बताएं तो 100 हो सकता है सही है, 100 सही है, और बाकी जो है तो माइनस मार्किंग में थोड़ा जो एक दो था उस पर वो तर्क जो था वो उसमें मैं वो कर दी हूँ। अच्छा, चारों पोर्शनों को अगर देखा जाए तो कौन सा ऐसा पोर्शन लगा कि वो हार्ड आया हुआ था? सबसे ज़्यादा पोर्शन तो अभी उसका था वो मैथ कैसा आया हुआ था? मैथ तो हार्ड था पर उससे ज़्यादा तो वो हार्ड था रीजनिंग में वो दिया था गुड़ा वाला वो सिस्टम सब बहुत वो था। रीजनिंग यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ा बहुत हार्ड था रीजनिंग। चलिए, हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये छात्र थे जिन्होंने बताया कि आज का जो लेवल था वो कैसा रहा। बाकी आप क्या सोचते हैं इन चारों शिफ्टों को लेकर के वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए ABC हिंदुस्तान।